वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है वेलकम बैक कॉमेडी सीन। नाना पाटेकर, घुंगरू, इंसल्टेड उदय एंड मजनू है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कॉमेडी सीन। हंसने का टाइम है, थोड़ा हंस भी लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। कार कितनी अच्छी है, Porsche है लगे। ये कैसे चल रहे हो तुम? अरे यार, तुम्हारे प्यार के चक्कर में अपने सारे उल्टे सीधे धंधे बंद कर डाले। शरीफ बन गया, अभी स्टाइल बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। और उससे भी कम टाइम लगेगा भैया को तुम्हें पहचानने में। अज्जू से अजय बने हो तो शरीफों की तरह चलना बोलना भी सीख लो ना। ठीक है, वरी नॉट, फुल टाइम बनेगा अपन। और ये अपुन टपुन शपुन प्लीज, हाँ अब बंद करो। ओके, एंड प्लीज भैया का बीपी मत बढ़ाना। हाँ ठीक है। क्या भाई, आप छोटी छोटी बात में बहुत बड़ी टेंशन ले लेते हैं। हाँ। भाई इतनी सी तो बात है, इतनी सी बात? मेरे बाप ने 3 शादियां करके ऐसा झमेला खड़ा किया है क्या? रंजना की शादी कहीं और तय की है मैंने, उसका प्यार किसी और से हो गया है और आज उसे मिलवाने ला रही है, ये इतनी सी बात है? रंजना, रंजना आ गई। रंजना भैया, अरे भैया ये सब क्या है? कुछ नहीं, रूटीन चेकअप है, नॉर्मल है। सर मैं भी बैठू? अजय, दोनों को बैठने के लिए कहा है। थैंक यू सर। क्या लेंगे आप? कटिंग। इनका मतलब है नथिंग। जी चाय नहीं पीता? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया है, आई एम श्योर कि वो अच्छा ही होगा। लेकिन अजय बहुत अच्छा है। गुंडा वाली है। इसीलिए आ जाए और मैं शादी करना चाहते हैं। भैया आप नाराज तो नहीं हो? नहीं नहीं, नाराज क्या होगा, इतनी सी बात है, नाराज क्या होगा। तुम खुश हो, मैं खुश हूँ, मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी जिंदगी हो। सर, मम्मी डैडी तीनों माएं गुजर गई हैं, मैं भी उसी रास्ते पे है। मैंने अपने मम्मी डैडी के बारे में बात करें कि कब आपसे मिलवाए। हम मिलेंगे, ये रिश्ता कैंसिल हो जाए। बड़े शरीफ लोग हैं वो, शरीफ लोगों को समझाना जरा मुश्किल होता है। ज्यादा प्रॉब्लम है तो मुझे बोलना। इनके कहने का मतलब ये है, आपके लिए ऑकवर्ड हो तो ये जाके रिक्वेस्ट करेंगे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। जी जी सर, होता है। हाँ। नहीं पर होता है ना। हाँ। संभाल लूंगा मैं। सर मैं कुछ बोलू सर? तुम भी बोलो। क्या रिश्ता ऊपर वाला बनाता है, नीचे वाला एक टांग अड़ाते हैं। रिश्ते जैसे रोमियो जूलियट, देवदास पारो, श्री फराद। हाँ, उसका क्या? जो प्यार की जो वो क्या होते डोर गांट, नहीं डोर च्युइंगम, उसका क्या? दुनिया तोड़ देती है, लेकिन हमारी शादी होगी। आप है ना हमारे साथ? किससे प्यार है? लंबा चौड़ा चश्मा पहनता है, अच्छे घर का शरीफ लड़का है। शरीफ लड़का है तो हमने क्या किसी चंबल के डाकू के साथ शादी फिक्स करवाई थी? ये प्यार व्यार कैसे हो गया? और उस बुड्ढे को कौन समझाएगा? उस बुड्ढे को कौन बुड्ढा? अरे वही घुंगरू। अच्छा, जिसे हमारे हमारे पैरों में होना चाहिए था, इन्होंने उसे गले लगा लिया। अब वो हमारे पैरों में घुंगरू बांधकर हमें कोठे में नचवाएगा। शादी का प्रोग्राम फिट कर दिया, उसे पता चलेगा तो 10 बार मरेगा और 100 बार गालियां देगा वो अलग। भाई लोग है हम, भाई 50 में खा लो, 25 तू खा लेना। भाई बची 25 गालियां घर ले जाएंगे वो तेरी, वो तुम लोग खाओगे। तुम लोग भैन के सगो, बहुत मुबारक हो, मुबारक हो कर रहे थे ना, अब भुगतो। घुंगरू कौन है ये? परेशान हो
लोग यहाँ अचानक? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो क्या बात क्या? आइए आइए बैठिए। अरे मेरे को परेश रावल की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती है। रवि, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ। नाश्ता? नाश्ता नहीं, भूखे कैंसल हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। क्या बात है? क्या को शिरीन फरा? हाँ, मतलब एक बार प्यार हो जाए तो। मैं समझा नहीं। शादी तो ऊपर से भगवान, रिश्ता नहीं हो सकता। आप क्या कह रहे हैं उदय जी? अरे कहने दो, यही तो सुनने के लिए कब से काम तरस रहे। आप क्या कह रहे हैं? ये चाहते थे ना। क्या बोल, मतलब आप लोगों का दिमाग तो ठिकाना है। मैं दुल्हन की घोड़ी से लेकर डीजे तक सब बुक कर चुका हूँ। हर तो वो नागिन की धुन पे कौन कब नाचेगा वो भी सब तय है। अब बताइए घोड़ी पे कौन बैठेगा, नागिन पे कौन नाचेगा, मुझे बताइए। हमने भी बहन की मेहंदी से लेकर दलहन मेहंदी तक सब तय किया। कौन सी मेहंदी? दलहन मेहंदी। वो क्या होती है? लेकिन वो कभी तो भगवान के लिए बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, मैं तो खुशी के मारे भिखारियों में कंबल बांध दूंगा। भिखारी बोल के हमारी तरफ इशारा? अरे इनकी बात कर रहे हैं। मिस्टर उदय शेट्टे। यस। मेरे बेटे ने तुम्हारी बहन की शक्ल सूरत देखे बिना शादी के लिए हाँ कर दी थी, देखे बिना। यस। अब उस भले लड़के को ये पता चलेगा कि उसकी होने वाली वाइफ किसी और के साथ सेट हो गई है, तो भला आदमी अपसेट नहीं होगा? नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, भगवान का दिया सब कुछ है। स्वागत है, दौलत है, इज्जत है। इज्जत है? हाँ इज्जत है। है थोड़ी है? मतलब आपके बेटे के लिए हम लड़की ढूंढेंगे। ये देखो है, खुद के लिए लड़की ढूंढी नहीं जा रही है, ढूंढ थोड़े सांड की तरह घूम रहे हो दोनों, और मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढोगे? है सही बात, तुम्हारे घर में रिश्ता होने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा जिंदगी भर कमारा रहे। और हाँ, अगर तुम्हारे बाप ने चौथी शादी करके तुम्हारे हाथ में एक और बहन का हाथ पकड़ा दिया ना, तो उसका भी रिश्ता तय करने से पहले उसे पूछ लेना कि उसका चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा है ना। कहीं सेट तो नहीं होगा? क्या बोली जाए, हमारी समधि है ये, ऐसे समधि इनको तो समाधि में बिठा देना चाहिए। जिस घुंघरू की शराफत की लोग मिसालें देते, उस घुंघरू की सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? बोलो उदय, कंट्रोल भाई। गनलोड हो गई। गनलोड हो गई, चला दो आज। ओए देखो बीच में, गलती अपनी है, इतनी भी बड़ी गलती नहीं भाई, ये कुछ ज्यादा इशारा बन रहा है। हो गया शाम, बात करता हूँ। तू ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना मेरे को आता है। मैं क्या बोल रहा था? अरे तू तो चुप ही रह टेढ़े कंधे, बेशरम, बेहया, खूब कमीने। कमीने तो बेस नहीं होता। अरे तू बे छोड़ ना बे, तू गाली पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करता है? अनपढ़, जिसका भाई मजनू उसकी बहन किसी न किसी की लैला तो होगी, वो भी कहीं ना कहीं तो गुल खिलाई रही होगी। क्या देख रहा है? मारेगा मारेगा मुझे। गुंडे कभी सुधरेंगे नहीं, खाली शराफत का चोला पहन के घूम रहे बस। घुंगरू जी हम शर्मिंदा हैं। अबे तू शर्मिंदा है, गोविंदा है, मुझे बात सुना, जाकर के चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये उसी का बेटा है? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं निपट लूंगा। मेरा घर है, यहाँ पे लिस्ट है। ये मेरा बाप है, अब मेरे डैडी है। तेरा बाप है? ये क्या बंदा था? वाह वाह वाह, कमाल हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आया, अजीब सा कुछ कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली रंजना जिसे प्यार करती है वो आप ही का बेटा है अजय। ये तो सचमुच कमाल हो गया। मैं तो पहले से कह रहा था ना कि तुम्हारी बहन किसी गलत लड़के को तो चुन ही नहीं सकती। इनसे मिलो, ये है मजनू, हमारे दोस्त, बिजनेस पार्टनर, भाई जान, सब दोस्त। घुंघरू जी आज ज्यादा ही बज रहे थे आप। वैसे ऐसे ही भाव तक पहुंच गए। टेंशन
सांड पीछे पड़ जाए तो क्या हो जाता है मालूम है ना। जली 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 चलेगा सलाह कर नहीं चला सकता गोली क्या चलाएगा। कॉलेज 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 में ही करता था उसका सा, ये तो बड़ा शरीर बन रहा था। तो फ्रेंड्स कैसा लगा, मजेदार था ना? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। और मैं जैसे बता, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। सबसे पहले तो ये बोलना चाहिए हर एक की, मतलब जो साइड के एक्टर्स थे उन्होंने भी इतनी फैंटास्टिक की, जो मेन कैरेक्टर्स थे उन्होंने भी, एक एक की एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी मजेदार थी। कॉमेडी में यही होता है कि अगर आपकी हर की एक्टिंग अच्छी होगी, डायलॉग डिलीवरी का प्रेजेंटेशन और करेक्ट टाइम पे विद करेक्ट एक्सप्रेशंस, तभी हंसी आती है। और इस पूरे सीन ने हमें ग्रैब करके रखा हुआ था, बड़ा मजा आ रहा था। और परेश रावल की तो वैसी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो तो उन्होंने कमाल दिखाई दिया, तो बड़ा मजा आया। ये ट्विस्ट था कि जिसके साथ, मतलब जो गुंडा था जिसके साथ वो शादी करना चाहती है, वो ही इवेंचुअली उनके था जहां पे ना करनी थी, कि जहां हाँ हो गए, तो क्या कंफ्यूजन था, बाप रे। और जिस तरह से उसको बोला कि तुम गुंडा नहीं शरीफ बन के जाना, वो आदत से मजबूर बीच बीच में कुछ ना कुछ कर ही रहा है। और एंड में भी कर दिया कि शूज से जो है बड़ा आग जला दी, माचिस की तिल्ली जला के वो जो है वो दिखा रहा था, तो बड़ा मजेदार था, मजा आ गया। नहीं, काफी अच्छी मूवी है और हमें देखनी पड़ेगी। और मगर काफी मतलब इंग्रॉस किया हुआ था मूवी ने, आपको पता नहीं चला टाइम कैसे गुजरा। हमें यही लग रहा था भी और चलती जाएगी, बीच में कट होगी, दगा रहे कट क्यों हो गए। वेरी अमेजिंग, मतलब जबरदस्त। और मैं ये भी कहूंगा कि कुछ मूवीज होती हैं जो अमेजिंग होती है, उसमें हर एक्टर जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। जिन्होंने डायलॉग लिखे हैं वो भी क्रिएट है, क्योंकि किसी को डायलॉग लिखने हैं, किसी को प्रेजेंटेशन बनाना है, स्क्रिप्ट की पहले ये बोलेगा फिर वो बंदा बोलेगा, फिर पीछे म्यूजिक आ रहा है, जिस तरीके से वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो काफी मतलब इसमें काफी मेहनत लगती है ऐसी मूवीज बनाने में, मगर बहुत मजा आ रहा। कहते भी हैं कि कॉमेडी जो होती है डिफिकल्ट होती है, क्यों? क्योंकि किसी को हंसाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा इस मूवी को देख के, अमेजिंग। और आजकल के जमाने में आप देखें, इतनी अच्छी मूवी आजकल आपको नहीं दिखेंगी। हंसी मजा, क्लीन कॉमेडी थी और हंसी आ रही थी, वही फैमिली मूवी लग रही है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।